पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। पता बुढ़े, रियासत रूपनगर का रास्ता कौन सा है? बोल। ये दास्तां है रविंद्र कपूर की, जिनकी भारी भरकम आवाज और जबरदस्त अभिनय ने इन्हें बड़ी मकबूलियत दी। हालांकि इन्हें हम गोगा कपूर के नाम से जानते हैं। राजा, जाके छिपे हो, हमारी बात गौर से सुनो। हम तेरी माँ को बंदी बना के यहाँ से ले जा रहे हैं। अगर अपनी माँ की जिंदगी प्यारी है तो जितनी जल्दी हो सके हमारे सामने आ जाओ। इनके बारे में दरअसल कुछ कम बातें ही मीडिया में आईं, लेकिन गोगा कपूर ने अपने अभिनय से वो मकाम हासिल कर लिया था जिसका कोई सानी नहीं था। सुना था प्यार करने वाले मर जाते हैं पर उफ तक नहीं करते। अरे तू प्यार क्या करेगा? जरा झांकते हैं इनके जीवन में। 15 दिसंबर सन 1940 में इनका जन्म हुआ। ऐसा बताया गया कि गुजरांवाला शहर में इनका जन्म हुआ था, जो कि विभाजन के बाद अब पाकिस्तान में है। इन्होंने अक्सर फिल्मों में विलन का किरदार निभाया, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब ये सिर्फ और सिर्फ रंगमंच किया करते थे, और वो भी अंग्रेजी। अकल की बात की है तूने। अपने करियर की शुरुआती दौर में गोगा कपूर साहब बतौर इंग्लिश आर्टिस्ट काम किया करते थे। इनके अभिनय से अच्छे अच्छे लोग मुतासिर होते, और उसी बीच इन्हें एक बहुत ही अच्छा किरदार दिया गया फिल्म ज्वाला में। ये साल था सन 1971। हमारे जिस्मों पर धोखेबाजी का खोल चढ़ा है, और ये खोल कागज का नहीं लोखंड का है, लोखंड का। ये बात भी गौर करने लायक है कि अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी इनकी दोस्ती बड़ी गहरी रही। सिर्फ उन्हीं के साथ ही नहीं बल्कि पारिवारिक ताल्लुक रहे। गोगा कपूर साहब का अभिनय बहुत ही जबरदस्त था, इसी के चलते इन्हें कई रीजनल फिल्म्स के ऑफर्स भी मिले, और उसके बाद ये आए एक बॉलीवुड फिल्म में जिसका नाम रहा एक कुमारी एक कुंवारा। यहाँ से इनके नेगेटिव किरदार बड़े मकबूल हुए। लगता है तूने महाभारत नहीं पढ़ी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर जाना तो सीख लिया था, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए वो मारा गया। हम भी इन पहाड़ों के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, अब बाहर नहीं आ पाएंगे। एक वक्त था जब प्राण साहब या फिर उससे पहले केएन सिंह साहब की आवाज और अभिनय से लोग डरते थे। जीवन साहब के चेहरे पे आती कुटिलता से लोग डरते थे, लेकिन जब गोगा कपूर साहब आए बदलते वक्त के विलन बनके, तो इनकी भारी भरकम आवाज, इनके चेहरे के हाव भाव, इनका अभिनय, इनका डील डॉल देखकर भी लोग घबराया जरूर करते थे। हम बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब होंगे। लेकिन ये कहना गलत होगा, ये सिर्फ बतौर विलन ही काम करते रहे। इन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में भी काम किया जहां पर विलेनी से बढ़कर इनका किरदार था, जैसे कि फिल्म कयामत से कयामत तक, जो कि आमिर खान साहब की पहली सुपर डुपर हिट फिल्म मानी गई। बरखुरदार, गुस्सा तो हमें आना चाहिए, क्योंकि बेइज्जती तुमने हमारी की है। ये बात भी गौर करने लायक है कि सिर्फ सिनेमा में ही नहीं बल्कि टेलीविजन सीरियल में भी ये नजर आए। बी आर चोपड़ा साहब का बड़ा अजीम शाहकार महाभारत, इसमें गोगा कपूर साहब ने कंस का किरदार निभाया था। गोगा कपूर चाहे छोटा किरदार निभाएं कि बड़ा, हर बार हर सीन में ऐसा असर छोड़ते थे कि आपकी नजर इनसे हटती ही नहीं थी। फिल्म अग्निपथ में मेन विलन तो डैनी डेंगजोंगपा थे, लेकिन गोगा कपूर की विलनी भी कोई कम नहीं थी। हराम ज़ादे ज़बान संभाल कर बात कर। हमला! कोई आगे नहीं बढ़ना। इस हराम ज़ादे ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। निकल कमीने। गोगा कपूर साहब की शादी हुई शांता कपूर जी से। इस शादी से इन्हें 3 बेटियां हुईं। बेटी पायल कपूर, जो कि थिएटर और बॉलीवुड में बड़ी ही निराली अभिनेत्री बनके उभरी, दूसरी शैली कपूर, और तीसरी बेटी सोनू कपूर। देखा कितनी शैतान हो गई है, कितना तंग करती है मुझे है? अफसोस की बात यह है कि 3 मार्च सन 2011 वो तारीख बनकर आई जब गोगा कपूर साहब ने आखिरी सांसें ली। ये लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, और 70 साल की उम्र में इन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। भले ही कुछ कम सुर्खियां इन्होंने बटोरी हों, लेकिन अपने अभिनय क्षमता से, अपनी दमदार आवाज से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वो मकाम हासिल कर लिया जिसका ख्वाब बहुत से अभिनेता देखते ही रह जाते हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में गोगा कपूर का नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा। हमने इतना वक्त इतना पैसा क्या इसलिए बर्बाद किया कि अपना काला मुंह लेकर वापस शहर चले जाएं? नहीं, हम बहुत जल्द अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।